पर महराजगंज से, जहां पर सोनौली बॉर्डर से चीनी नागरिकों के प्रवेश पर बैन लगा दिया गया है। जी हां, कोरोना वायरस के खौफ के मद्देनजर ये बैन लगाया गया है। नए चीनी नागरिकों को भारत में प्रवेश के लिए वीजा नहीं दिया जाएगा। सोनौली और ठूठीबारी बॉर्डर पर ये स्वास्थ्य कैंप भी लगाया गया है, ताकि अगर कहीं भी कोई भी संदिग्ध मरीज कोरोना वायरस से संक्रमित देखा जाता है या फिर ऐसी कोई भी शिकायत सामने आती है तो फिर तुरंत उसका उपचार किया जा सके, उसको आइसोलेट किया जा सके। सोनौली बॉर्डर पर चीनी नागरिकों की निगरानी के लिए चौकसी इस तरह से वहां पर तेज कर दी गई है। सोनौली के रास्ते बड़ी संख्या में चीनी नागरिक भारत में प्रवेश करते हैं और ऐसे में इस एंट्री पॉइंट पर बैन लगा दिया गया है, ताकि चीनी नागरिक, चाइना से नागरिक यहाँ पर ना आ सके, ताकि हिंदुस्तान के नागरिकों को इस कोरोना वायरस से संक्रमण का खतरा ना पैदा हो। फिलहाल जबरदस्त चौकसी वहां पर बढ़ती जा रही है। वहां पर एंट्री पॉइंट पर ही स्वास्थ्य कैंप लगा दिया गया है, ताकि अगर एक भी नागरिक अंदर एंटर करता है तो सबसे पहले उसका परीक्षण होगा, जांच होगी, उसका ब्लड सैंपल लिया जाएगा और अगर सब कुछ सही होता है तभी उसे परमिशन दी जाएगी अंदर आने की। अभिमुक्त पांडे हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। अभिमुक्त, वहां पर किस तरह की खास व्यवस्थाएं की गई है कोरोना वायरस से निपटने को लेकर? बैन लगा दिया गया है, चीनी नागरिक अब इस एंट्री पॉइंट से अंदर नहीं आ पाएंगे, स्वास्थ्य कैंप भी वहां पर लगाया गया है, क्या कुछ देख रहे हैं आप वहां पर? जी बिल्कुल, बता दें कोरोना वायरस का दहशत लगातार बढ़ता जा रहा है। कोरोना वायरस के इस दहशत को देखते हुए भारत नेपाल की सोनौली सीमा पे जो अब नए चीनी नागरिक आएंगे उन पे पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया, उनको भारत में सोनौली के रास्ते प्रवेश नहीं दिया जाएगा, चूंकि इमिग्रेशन की तरफ से ये अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि बॉर्डर चेक पोस्ट पे ही स्वास्थ्य कैंप लगा के स्वास्थ्य विभाग के स्पेशलिस्ट डॉक्टर उसकी निगरानी कर रहे हैं, चौकसी कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात की खासतौर से जो नेपाल के रास्ते चीन की तरफ से लोग आते हैं, जो भी चीन के नागरिक आ रहे हैं उनको अब सोनौली बॉर्डर पे ही रोक दिया जाएगा, उनको उस रास्ते से प्रवेश करने नहीं दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर ये कहा जाए कि कोरोना वायरस का दहशत लगातार बढ़ता जा रहा है, उसको देखते हुए ये चौकसी बढ़ती जा रही है सोनौली बॉर्डर पे। जी चलिए, शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए महराजगंज से। तो कोरोना वायरस के आतंक के मद्देनजर ये चौकसी वहां पर बढ़ती जा रही है, ये अलर्ट वहां पर जारी किया गया है। सोनौली बॉर्डर पर स्वास्थ्य कैंप लगा दिया गया है और चीनी नागरिकों का यहां से इस एंट्री पॉइंट से बैन कर दिया गया कि कोई भी अंदर एंटर नहीं करेगा।